कोरोना के दौरान जहां रात दिन सभी लोग जी जान से काम कर रहे हैं, वहीं लापरवाहियां भी कम नहीं है। उज्जैन में शासकीय कर्मचारी को मृत बता दिया और खबर अखबारों में भी छप गई। इसके बाद आश्चर्य तो तब हुआ जब मृतक व्यक्ति ने खुद का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी किया। प्रशासनिक लापरवाहियां किस कदर हावी हैं? उज्जैन के जिंदा व्यक्ति को ही मृत बता दिया जाता है। उज्जैन CMHO ने शुक्रवार को बुलेटिन जारी किया था जिसमें अजीज नामक मरीज की मौत बताई गई थी और शनिवार को कई अखबारों में भी उनके मृत होने की खबर छपी है, लेकिन अजीज RD गाड़ी अस्पताल में जिंदा हैं और सोशल मीडिया पर उनका वीडियो जारी हुआ। अजीज ने खुद अस्पताल से वीडियो बनाकर डाला और कहा कि मैं जिंदा हूँ। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अजीज जीनवाला है। मैं उम्र 36 साल, सिपी मोहल्ला निवासी हूँ। 2 दिन पहले मुझे कोरोना के उसमें मैं मालदों हॉस्पिटल गया था, वहाँ मैंने चेकआउट कराई। मैं, मेरी मम्मी और मेरा भांजा तीनों लोग गए थे। मुझे वहाँ से इन्होंने RD गाड़ी शिफ्ट कर दी। अभी तक मेरी रिपोर्ट कंफर्म ये नहीं आई है। कोई बोलता है पॉजिटिव है, कोई बोलता है नहीं है। रात को कभी बोलते हैं पॉजिटिव वालों के साथ चले जाओ, कभी बोलते हैं यहाँ चले जाओ। इस हॉस्पिटल में व्यवस्था के नाम पर कोई कुछ भी नहीं है, ना पर्याप्त स्टाफ है ना कुछ है। दूसरी बात, आज सुबह भास्कर के अंदर दे दिया गया कि मुझे मृत घोषित कर दिया गया, जबकि मैं आपके सामने पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। कृपया करके मेरा निवेदन है, मेरे वीडियो को आगे तक पहुँचाएं और यहाँ पे व्यवस्था सुधारें या मुझे यहाँ से निकालने का प्रयास करें। धन्यवाद। शनिवार को उज्जैन CMHO ने इस संबंध में कहा कि एक जैसे नाम होने के कारण गलत फहमी हुई है। हमारे नोडल अधिकारी डॉक्टर सोनिया को कि जो पेशेंट की डेथ हुई है उसका नाम और वहाँ से आने के बाद ही यहाँ पर हमारा IDSP डिपार्टमेंट में उन लोगों का बुलेटिन तैयार होके और फिर हम जारी करते हैं। वहाँ जब हमें पता लगा कि जो पेशेंट ने उन्होंने डेथ के बारे में जो बताया था, वो चूंकि उनका नाम उनमें कन्फ्यूजन था और उनका एड्रेस कन्फ्यूजन में था, तो उन्होंने त्रुटिवश उन्होंने उसको स्वीकार किया है और उन्होंने बोला है कि ये जो है हम लोगों के नाम एक जैसे होने से और उनका एड्रेस अलग होने की वजह से अपनी त्रुटि स्वीकार करी है। इसलिए मैं उसका खंडन करती हूँ कि जो पेशेंट हम लोगों ने अब्दुल रशीद नगोरी, सन ऑफ अब्दुल मजीद नगोरी, जो 60 साल के थे और 35 नगोरी मोहल्ला उज्जैन में रहते थे, जो कि 23 तारीख को इनकी डेथ हो गई थी, तो उसके नाम के कन्फ्यूज़न में उन्होंने जो हमारे इस वक्त जो स्वस्थ हालत में वहाँ पर एडमिटेड है मिस्टर अजीज जीनवाला सन ऑफ आबिद हुसैन 26 साल के, जो कि अभी उनसे हमने चर्चा भी करी, उनकी हालत ठीक है, वो अपने वहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो नोडल अधिकारी को हम लोगों ने यहाँ से एक नोटिस जारी कर रहे हैं कि आपने इस तरह से गलत जानकारी यहाँ प्रस्तुत करी जिसकी वजह से नाम में हमारा काफ़ी त्रुटि रिपोर्ट चली गई है, तो मैं इसका खंडन करती हूँ, इस रिपोर्ट का, इस न्यूज़ का मैं खंडन करती हूँ और हमारे जो नोडल अधिकारी हैं उनको हम यहाँ से नोटिस भी इशू कर रहे हैं कि भविष्य में इस तरह से अगर आप इस तरह से गलत रिपोर्ट भेजेंगे तो आपके संस्था के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।